हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल SHD मोटर्स पर। और आज आपके सामने आ गई ये एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी, महिंद्रा XUV 300। 300 का ये कौन सा वेरिएंट है भाई? W6 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन होने वाला है। इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली हैं और क्या ऑन रोड क्या एक्स शोरूम आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी का। भाई कलर की बात करते हैं तो ब्लैक कलर के चाहने वाले जितने भी हैं भाई सब इसी वीडियो में बने रहना। गाड़ी लेने से पहले एक सेफ्टी फीचर भी देखे जाते हैं कि सेफ्टी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो उसी का एक जीता जागता नमूना ये है आपके सामने XUV 300, जो कि आती है भाई 5-स्टार रेटिंग के साथ। क्या बात है भाई, ग्लोबल इनकेप में 5-स्टार मिले हुए हैं इस गाड़ी को। ऐसे ही नहीं दिलों में जगह बनाई है XUV 300 ने भाई। परफॉर्मेंस को लेकर, भाई विड्थ को लेकर, रोड प्रेजेंस को लेकर बहुत अच्छे खासे से नंबर अपने नाम कर रखे हैं इस गाड़ी ने। तो आ जाते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल पे। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखो कितना बल्कि डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। विड्थ भाई सेल्टॉस से भी ज़्यादा होने वाली है, क्रेटा से भी ज़्यादा होने वाली है। कितनी? 1821 mm। वहीं अगर बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तो मिल जाता है 180 mm का। क्या बात है भाई, मतलब चौड़ी और रोड प्रेजेंस को लेकर तो नो डाउट बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव करेगी ये गाड़ी। उसी के साथ साथ बात करते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट की, तो आपको मिल जाता है हैलोजन रिफ्लेक्टेड बेस यूनिट, जो कि हाई बीम लो बीम के लिए ही काम करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर, कोई भी DRLs वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर फॉग लैम्प, जो कि होने वाले हैं हैलोजन। पूरा ही ग्लॉसी काम आपको देखने को मिल जाता है, पूरी ही ब्लैक होने वाली है गाड़ी। ग्रिल की अगर बात करते हैं तो सिल्वर एसेट आपको देखने को मिल जाते हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो आपको देखने मिल जाएगा। ग्रिल भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे कुछ इस तरीके से ग्रिल आपको रेडिएटर के लिए मिल जाती है। ओवरऑल इस तरीके से हो जाती है फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल देखो भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है। मैं हाइट पे थोड़ा सा खड़ा हुआ तो इसलिए आपको थोड़ी सी नीचे लग रही होगी गाड़ी, क्योंकि देखो यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। तो ओवरऑल करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो सबसे पहले ए पिलर ब्लैक डॉट, बी पिलर ब्लैक डॉट, सी पिलर ब्लैक डॉट, पूरी ही ब्लैक होने वाली है। यहां तक कि भाई ऊपर की रूफ रेल्स भी आपको ब्लैक डॉट ही देखने को मिल जाती हैं। ORVM भी आपको ब्लैक डॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि होने वाले हैं भाई कुछ इस तरीके से। वहीं अगर बात करते हैं एडजस्टमेंट की तो मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्ड आपको मैनुअली ही करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ फेंडर पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, जो कि हैलोजन होने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं इसके टायर्स की तो अपोलो की तरफ से मिलने वाले हैं। सेक्शन होने वाला है 205/65/16 भाई, 16 इंच का आपको स्टीरिंग देखने को मिल जाता है। व्हील कैप कंपनी फिटेड होने वाले हैं। ओवरऑल ग्लाइडिंग की अगर बात करते हैं तो 360 ग्लाइडिंग आपको नहीं, सिर्फ आपको साइड में ही ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स की अगर बात करते हैं तो ये मिल जाते हैं बॉडी कलर, कोई भी आपको इसमें कीलेस एंट्री वगैरह देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल तो हो जाती है कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल कंप्लीट। करते हैं इसके लेंथ की बात तो आपको मिल जाती है 3995, सब 4 मीटर होने वाली है। व्हील बेस की अगर बात करते हैं तो 2600 mm का आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हो जाती है पूरी अपनी साइड प्रोफाइल कंप्लीट। आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो रियर प्रोफाइल जो होने वाला है भाई बहुत ही गजब, मतलब अच्छा लगता है भाई। डिसेंट सा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, ऊपर पावर एंटीना मिल जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाता है। ये W6 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने है भाई डीजल में। वहीं अगर बात करते हैं इसमें कोई भी डिफॉगर या वाइपर आपको देखने को नहीं मिलता है, हालांकि बीच में महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप आपको पूरे ही LED देखने को मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन मोड में। ये आपको स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है रिवर्स पार्किंग लैंप। उसके साथ साथ नीचे XUV 300 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, कोई भी वेरियंट की बैजिंग नहीं होने वाली है। रिवर्स पार्किंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 1-2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। कैमरा वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में भाई। W6 वेरिएंट है, इसके ऊपर का जो वेरिएंट है W8 उसकी तो भाई बात ही अलग है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं, सारी कमियां दूर कर देती है, लेकिन प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उसका। ओवरऑल कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों ही साइड, तो कुछ इस तरीके से हो जाती है हमारी रियर प्रोफाइल कंप्लीट। आ जाते हैं इधर की तरफ, तो इधर मिल जाता है सबसे पहले आपको फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी होने वाली है 42 लीटर की भाई डीजल में। उसके साथ साथ ओवरऑल उधर की तरफ सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो होगी पूरे इसके एक्सटीरियर के बारे में बात। भाई नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है ये गाड़ी भाई परफॉर्मेंस को लेकर। अभी जब इंजन के बारे में बात करूँगा तब बताऊँगा इसकी पावर क्या होने वाली है गाड़ी की। उसके साथ साथ आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखो डोर ट्रिम ब्लैक एंड बीच कलर के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला है भाई कुछ इस तरीके से। कहीं भी सॉफ्ट टच आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे देखो भाई सेफ्टी, भाई रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं डोर्स में। वहीं बात करते हैं तो मैप पॉकेट बॉटल होल्डर 2 आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो के स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑटो डाउन का फीचर आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है। ग्रैप हैंडल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए ORVM को। मैटी फिनिश के साथ आपको मिल जाता है डोर लीवर। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल और ट्विटर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 6 स्पीकर होने वाले हैं, 4 डोर्स में 2 फ्रंट में आपको ट्विटर देखने को मिल जाते हैं। ये तो
जाती है अपनी डोर ट्रिम कंप्लीट, ओके रिपोर्ट, आ जाते हैं इसकी सीट्स पर। तो सीट्स में ये आपको भाई देखो, सबसे पहले जो है ना इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सीट कवर लगे हुए हैं। इसकी सीट जो आपको मिल जाती हैं फैब्रिक मिलती हैं, जिसमें आपको सीट कवर लगे हुए हैं, डिलीवरी के लिए तैयार है गाड़ी। वहीं अगर बात करते हैं तो बैक बूस्टर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने मिल जाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक दो भाई अच्छा खासा नो डाउट। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग करने के लिए मिल जाता है, ओवरऑल हो जाती है सीट्स कंप्लीट। आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाइयों इसको करते हैं एक बार क्लोज और गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। लो भाई देखो भाई, इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है, इसका जो जलवा निकल के आता है ना इग्निशन का, बहुत गजब लगता है, अट्रैक्टिव है भाई बहुत ज़्यादा। चलो एक बार करते हैं इसको ऊपर, और इसको भी ना एक बार म्यूजिक को करो बंद यार। चलो ये कर दिया मन, उसके साथ साथ एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हो गई गाड़ी स्टार्ट, एसी को कर लेते हैं ऑन थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा यार, गर्मी पता नहीं क्यों लगती है यार इतनी मुझको भाई, थक जाता हूँ यार, लेकिन क्या करें अपना काम ही ऐसा है वीडियो बनाने का। तो आ जाते हैं स्टेयरिंग पे, तो कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम और टेलीफोन का कंट्रोल मिल जाता है, एयरबैग आपको देखने को मिल जाता है, एक दो दो एयरबैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ओवरऑल स्टेयरिंग हो जाता है कुछ इस तरीके से कंप्लीट। एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो आपको मिल जाता है टिल्ट, और बस टिल्ट आपको देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मैनुअली मिल जाते हैं आपको हेडलैम्प, मैनुअली ही मिल जाते हैं आपको वाइपर। उसके साथ साथ आ जाते हैं क्लस्टर पे, तो क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव सा, अच्छा लगता है भाई देखने में। ओवरऑल बीच में एक छोटी सी MID देखने को मिल जाएगी, देखो आप सामने यहाँ पे आप टायर वगैरह देख रहे हो भाई, डायरेक्शन दिखाता रहेगा कहाँ को है टायर, मतलब आपको देखना नहीं पड़ेगा बाहर निकल के भाई कहाँ पर है टायर, ऐसे करके झांकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको एनालॉग ही मिल जाते हैं दोनों डायल, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, फ्यूल गेज, टेम्परेचर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप। अगर इसको कंट्रोल करना है ना तो कहाँ से करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से मिलेंगे स्विच, देखो ये देखो भाई, लो भाई। और उसके साथ साथ इसमें आपको मोड भी मिल जाते हैं, तीन मोड मिल जाते हैं। उसके साथ साथ भाई ये तो होगी क्लस्टर की बात, आ जाते हैं इधर की तरफ, तो एक बार इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हेडलैम्प लेवलर, आइडल स्टॉप बटन आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से एसी वेंट्स होने वाले हैं कंप्लीट। आ जाते हैं नीचे, तो नीचे आपको ABC पेडल देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड नहीं होने वाला, डेड पेडल नहीं है इस गाड़ी में। उसके साथ साथ आ जाते हैं इधर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से एसी वेंट्स हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करते हैं तो TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, पूरे ही कंट्रोल्स, मतलब सेंटर कंसोल जो है ना भाई सूट करता है इस गाड़ी पे। टच स्क्रीन भले ही नहीं मिलता लेकिन भाई सूट करता है, जब ये रेड लाइट जलती है ना इसके अंदर की पूरी, तो रात को तो अलग ही फील आती है गाड़ी के अंदर बैठकर। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है ओवरऑल। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि यहाँ मैं बता दूँ हजार्ड लैंप, ये हमको MID को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस। उसके साथ साथ यहाँ टेम्परेचर, ये पूरा हमारा मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल होने वाला है। नीचे आपको मिल जाता है USB सोर्स इनके लिए और ऑक्स सोर्स इनके लिए। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से कीज वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। गियर नॉब भी प्रीमियम से आपको मिल जाती है, जो कि होने वाली है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स कन्वेंशनल होने वाला है। ओवरऑल कुछ इस तरीके से मैट फिनिश के साथ पूरा सेंटर कंसोल होने वाला है। कलर की अगर बात करते हैं तो भाई डैशबोर्ड ड्यूअल टोन आपको मिल जाता है ब्लैक एंड बीच कलर के साथ। ओवरऑल यहाँ हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ, कप होल्डर आपको मिल जाता है, मतलब भाई डिसेंट सा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डल लग रहा है भाई, अच्छा खासा मिल जाता है। सीट्स को एक बार पीछे कर लेते हैं और पूरा देखो डैशबोर्ड भाई, अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है भाई। देखो लो भाई इसको बंद करो, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये हेलोजन कैबिन लैंप, और ये इसको कर देते हैं बंद, इसको खोल देते हैं भाई, रोशनी आ रही है तो क्वालिटी अच्छी होगी। डे नाइट IRVM देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर, वो भी विथ लैंप के साथ, ये एक अच्छी चीज़ है यार, क्या बात है। ओवरऑल इस तरीके से हो जाती है पूरी अपनी फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट डैशबोर्ड की। चलते हैं इसके रियर सेटिंग की तरफ, तो रियर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो भाई लो भाई ये आ गए हम रियर के सीटिंग की तरफ, तो रियर डोर भी आपको फ्रंट की तरह ड्यूअल टोन देखने को मिल जाता है ब्लैक एंड बीच कलर के साथ। डोर लीवर, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो और स्विच, स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है, बोतल होल्डर और मैप पॉकेट मिल जाती है। उसके साथ साथ सीट्स की अगर बात करते हैं तो देखो भाई, सबसे पहले एक दो अच्छा खासा, मतलब डिसेंट सा आपको अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फैब्रिक ही मिलती है, बेंच 60-40 स्प्लिट के साथ आपको देखने को मिल जाती है रियर सीट। वहीं अगर बात करते हैं तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर बताता हूँ। देखो
इसमें अब आप कहोगे कि यार नी रूम तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि भाई सीट देखो कहाँ कर रखी है, बिल्कुल पीछे। भाई जब सीट आगे जाएगी ना तो वहाँ पे देखो कितना स्पेस है और यहाँ पे कितना है। और बात करते हैं सीटिंग की, तो यहाँ पे मेरे जैसे चार बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं भाई। 1821 एमएम विड्थ है भाई, ऐसे ही नहीं बैठेंगे इसके अंदर, पांच छह बंदे आराम से बैठ जाते हैं, चार बंदे। उसके साथ साथ सेकेंडरी केबिन लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल हुक मिल जाता है यहाँ पर। उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से माहौल होने वाला है। ओके रिपोर्ट, क्या बात है भाई। चलो चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो बूट में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। और उसके साथ साथ उससे पहले मैं अगर मैं बताऊं तो इसको ना कर देते हैं बंद, क्योंकि अपना काम हो गया है पूरा कंप्लीट अंदर से, क्योंकि भाई तेल भी तो लगता है ना गाड़ी को स्टार्ट करने में यार। चलो आ जाते हैं इधर, तो इधर आपको देखने को मिल जाता है पावर्ड टेल गेट ओपनर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको कंपनी फिटेड देखने को नहीं मिलती है यहाँ। लाइक बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। देखो दिखा देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ एक बार पूरा ही, क्योंकि ऐसे तो दिखने वाला है नहीं। तो आपको मिल जाता है, कहाँ गया भाई, होने वाला है भाई, कहाँ गया, सीट की तरफ से है सेक्शन आपको मिल जाता है 135, यहाँ पे बिल्कुल छुपा हुआ लिखा हुआ है 135 90R16, मतलब 16 इंच का आपको रिम देखने को मिल जाता है। इसको लगा देते हैं एक बार पूरा ही ऐसे करके, देखो वैसे इसको लगाना ना बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसको मैंने लगा दिया। वहीं अगर बात करते हैं इसमें कोई भी हुक वगैरह या लगेज लैंप आपको देखने को नहीं मिलता है। कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो आपको मिल जाती है लगभग लगभग मोटी मोटी 257 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाता है इसका बूट। ओवरऑल हो जाता है पूरा कंप्लीट भाई। वो बता दिया मैंने इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात कर ली है पूरी टोटली। चलते हैं इसके इंजन वे की तरफ, तो इंजन वे में आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं इसका बोनेट और चलते हैं इसके इंजन वे की तरफ। सबसे पहले देखो भाई इंडिकेटर वगैरह जल रहे हैं, गजब लग रही है गाड़ी, क्या बात है भाई। आ जाते हैं इसके बोनेट की तरफ, तो बोनेट में आपको देखो सबसे पहले ये देखो भाई, ओ भाई क्या बात है, कितना भारी बोनेट मिल जाता है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेल्टॉस का भाई बोनेट उठा रहा हूँ भाई, सेल्टॉस का भी ऐसा ही भारी भरकम सा बोनेट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इतना भारी भरकम सा आपको इंजन देखने को मिल जाता है, डीजल इंजन। वहीं अगर बात करते हैं, पहले ना इसको लगा लेता हूँ भाई, इसको पकड़े रहना मेरे बस की बात नहीं है, तो इसको एक बार लगा लेता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो भाई ये सपोर्ट मैंने लगा लिए। और वहीं अगर बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको मिल जाता है CRDI माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1497 सीसी 4 सिलेंडर 1.5 टर्बो चार्ज मिल जाता है आपको इंजन। वहीं अगर बात करते हैं BS6 फेज 2 में कंप्लाइंट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो डीजल इंजन होने वाला है। ओवरऑल माइलेज की अगर बात करते हैं तो माइलेज कंपनी क्लेम करती है लगभग लगभग 18 का भाई, क्या बात है भाई। उसके साथ साथ पावर की अगर मैं बात बताऊं तो पावर आपको मिल जाती है 115 BHP की। और टॉर्क की बात करते हैं तो 300 Nm का टॉर्क, वो भी भाई 1500 RPM पे भाई, मतलब 1500 RPM करो और 300 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल ये तो होगी पूरी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है सपोर्टिंग भाई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बात करते हैं इसमें सेफ्टी को लेकर, तो सेफ्टी में भी नो डाउट ठीक ठाक फीचर मिल जाते हैं, क्योंकि 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। तो अगर बात करते हैं तो ABS मिल जाता है, ABD मिल जाता है, ESP मिल जाता है, 2 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो लगा देता हूँ मैं इसको एक बार, बोनट को करते हैं बंद, वीडियो पॉज कर देता हूँ दोबारा। तो भाई वो ये मैंने लगा दिया है। और अगर बात करते हैं भाई अब कीमत की, तो भाई कीमत कितनी देनी है इस गाड़ी के लिए, भारी भरकम सी गाड़ी है, फीचर भी हैं भाई, परफॉर्मेंस भी है, रोड प्रेजेंस भी है, अच्छे खासे आपको देखने में मिल जाती है हर चीज़। बात करते हैं कीमत की, तो वेरिएंट में दोबारा बताऊं तो W6 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने है, 11 लाख रुपए एक्स शोरूम। वहीं अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड में मिल जाती है ये गाड़ी आपको 12,84,000 रुपये भाई, 12,84,000 रुपये में इतनी भारी भरकम गाड़ी, उसके साथ साथ इतने फीचर, उसके साथ साथ रोड प्रेजेंस भाई, मतलब नो डाउट भाई दिल में बसती है गाड़ी ये भी। ऊपर से चार चांद लग जाते हैं ब्लैक कलर के साथ, क्या बात है भाई। ओवरऑल वीडियो हो गई कंप्लीट, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।